हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केहकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। अकोला में हमारा हॉस्पिटल है। एक है मनोरुग्ण लोगों के लिए, पेशेंट के लिए, और दूसरा है व्यसनी लोगों के लिए। हमारे यहाँ दो तरह की व्यवस्था है कि यहाँ हम पेशेंट के साथ में रिश्तेदार रखते हैं, उनका इलाज करते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल जो है उसमें बिना रिश्तेदार पेशेंट को एडमिट करते हैं। मैं बताने वाला हूं आज आपको टेंशन और एंजाइटी, इसके बारे में। क्या होता है कि कुछ लोगों को जैसे एंजाइटी रहती है, मतलब चिंता रहती है, और चिंता रहना ये बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है। समझो मुझे कल सुबह मुझे गाड़ी पकड़नी है, 5 बजे की ट्रेन है, और उसकी चिंता मुझे आज है कि मैं सुबह कितने बजे उठूंगा, ठंड का रहा है, ठंड है बहुत, मेरे से सब होगा कि नहीं होगा, मैं मुझे टैक्सी मिलेंगे कि नहीं, मैं स्टेशन पे जाऊंगा कि नहीं, पहुंचूंगा कि नहीं, ट्रेन पकड़ूंगा कि नहीं। तो ये चिंता ठीक है, नॉर्मल हो सकती है वो, और वो चिंता के कारण फिर मैं अलार्म लगाता हूँ, और मैं 4 बजे का अलार्म लगा के मैं बराबर उठ के वो ट्रेन 5 बजे आके पकड़ता हूँ। तो ये नॉर्मल चिंता है, मतलब इसमें कोई गैर नहीं। हो सकता है कि कुछ भी कारण वहां नहीं है सामने, कुछ भी कारण नहीं, बिना कारण, पर कुछ भी कारण नहीं होने के बावजूद भी मुझे चिंता लगी रहती है, और उसका असर बदन के ऊपर जब रहता है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। अब समझो एक कारण ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति है कि जिसका जॉब छूट गया, उसका जॉब छूट गया, और अभी वो जॉब छूटने के बाद में उसको परेशानी है कि घर में क्या खाएंगे, पत्नी का बच्चों का संभाल कैसे करेगा, कंपनी बंद हो गया, कंपनी निकाल दिया, तो उसको चिंता बनी है और वो जॉब ढूंढने के लिए घूम रहा है, और फिर बाद में उसको बहुत चिंता होगी कि अभी कैसा करना, और चिंता के कारण फिर वो सो नहीं रहा है, वो घबराहट है उसके मन में, और फिर वो इधर से उधर जाता है, भटकते रहता है, उसकी नींद खराब हो जाती है, तो फिर वो चिंता रोक करके हो जाता है। यही वातावरण में दूसरा व्यक्ति सोचेगा कि ठीक है मेरा जॉब गया तो हरकत नहीं, वो कंपनी वैसे भी अच्छी नहीं थी, अभी मुझे समय है, मेरे पास में समय है, तो मैं अच्छा जॉब ढूंढूंगा। उसको भी चिंता है, मगर उसका ना, उसकी ना नींद खराब है, ना उसका खाना खराब है, ना उसकी सेहत खराब है, और वो बराबर जाके जॉब ढूंढता है, 15 दिन, महीना, 2 महीने जाके घूम फिर के वो आता है और जॉब ढूंढता है। दोनों का कारण एक ही है, मगर उन्होंने रेस्पॉन्स अलग अलग दिया। जिनको चिंता रोग हो जाता है तो वो करते क्या है कि वो काफी छोटी छोटी बात के ऊपर काफी चिंता करेंगे, और चिंता के कारण फिर उनको रात की नींद खराब होना, बार 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 उठना पड़ता है, और उनको अननोन फियर रहता है। अननोन फियर मतलब पता नहीं क्या चिंता है, कुछ तो भी चिंता है, कुछ तो भी घबराहट है। समझा, अभी मतलब वो चिंता के कारण उसको दिल में धड़कन है, हाथ थर थर कर रहे हैं, थरथराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, काम के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं करा, मतलब उसका उसका अटेंशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, उसकी याददाश्त जा रही है, वो चिड़चिड़ापन कर रहा है, घर के लोगों के साथ में बातचीत नहीं कर रहा है, तो वो चिंता हो जाती है क्योंकि उसका असर बदन के ऊपर हो रहा है, नींद खराब होना, खाना खाना नहीं खाना, तो वो ज्यादा चिंता, ज्यादा विचार कर रहा है। समझे, अगर आपने ऐसा है कि जो अकेला है, अकेला बैठा है, और वो भी चिंता कर रहा है, और चिंता कौन सी है, चिंता अंदर के अनुरूप विचारों से, मतलब वो चिंतन कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, कोई सोच रहा है आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके बारे में अपने मन के मन में वो सोच रहा है, वो चिंतन है, वो चिंता नहीं है। तो हमारे में ना अलग अलग हमारे लोग हैं, मतलब हमारे में अलग अलग तरह के लोग हैं कि छोटी छोटी बात के ऊपर वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव रिएक्शन देंगे, और वो रिएक्शन से उनको बहुत चिंता हो जाएंगी, उनका असर मन के ऊपर, शरीर के ऊपर होगा, और फिर यदि उनको ऐसा असर हो जाता है तो फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है उनको, मतलब पेट में गड़बड़ाहट हो जाती है, जिसकी वजह से लेटरिन को जाना, मतलब बार बार जाना पड़ना, लूज मोशन होना, एसिडिटी हो जाना, या बदन में दर्द, हाथ पैर कांपना, नींद नहीं आना, खाना कम खाना, या कुछ लोग खाना बहुत ज्यादा भी खा लेते हैं, तो ऐसी चिंता की बीमारी है। और यह इस तरह के लक्षण, मतलब यदि इस तरह के लक्षण 6 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली लगातार रहते हैं तो उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर ऐसा कहते हैं। 6 हफ्ते तक वो लक्षण है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन लक्षण आ गए तो उसको बीमारी हो गई, 6 हफ्ते तक उसको लक्षण है, और वो अपना रोज का जीवन जीने के लिए उसको तकलीफ हो रही है,
तो हम उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी न्यूरोसिस उसको कहलाते हैं, क्या कहते हैं। अभी इसका इलाज क्या है, इसका इलाज अर्थात साइकोथेरेपी है, मतलब मानसोपचार है, काउंसिलिंग है, हिप्नोथेरेपी है जिसकी वजह से इसका इलाज हो सकता है, उसके ऊपर कोई मेडिसिन है कि जो मेडिसिन देके उसका इलाज हो सकता है, ताकि समझो उसको बहुत चिंता हो रही है, नींद नहीं आ रही है, हाथ पैर काँप रहे, तो उसको कुछ दवाई देते हैं तो दवाई से जरा क्वाइट हो जाता है, काम डाउन हो जाता है। मेन इसका इलाज है साइकोथेरेपी, मानसोपचार, क्योंकि किस वजह से चिंता हो रही है। उसको ये समझाना पड़ता है कि आप इतना ज़्यादा चिंतित क्यों हो रहे हैं, मतलब क्या ऐसा है। देखो एक सिचुएशन है उसके ऊपर दो लोगों की रिएक्शन अलग अलग है, तो इतनी रिएक्शन अलग अलग क्यों है, इतना ज़्यादा रिएक्शन आप क्यों दे रहे हैं, क्या आपको मतलब सिचुएशन जैसे आपको दिख रही है, कैसे आपको प्रतीत हो रही है ये सिचुएशन, तो प्रतीत जब हो रही है तो आपका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। मतलब इस तरह से हम उसको जब साइकोथेरेपी करते हैं, हिप्नोसिस में हम उसको हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोटाइज करके उसको विजुअलाइज करने लगा दे कि भाई कहाँ कहाँ चिंता होती है, वो पूरा सीन जो है वो पिक्चर को विजुअलाइज करो, और आप पूरा विजुअलाइज करके वो जो सिचुएशन है जो भी आप सोचते हैं उसमें हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसका सामना करें, बहुत ही आत्मविश्वास से हम सामना करते हैं, ऐसा उसको चिंतन करने लगा दे, सम्मोहन की अवस्था में ऐसा विजुअलाइज करने लगा दे, उसको काफ़ी उसमें फर्क पड़ जाता है। आपके आजू बाजू में काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा या स्मॉल एंग्जाइटी, छोटी मोटी एंग्जाइटी होंगी, ये जरूर वीडियो उनको शेयर कीजिएगा। हमारा लक्ष्य है कि भाई व्यसन मुक्त भारत और मनोरोग मुक्त भारत, हर व्यक्ति हमारे देश का वो मतलब मेंटली हेल्दी हो जाए और मतलब उसका आपका जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता है, ऐसा फिट हो जाए, उसमें आपका सहयोग जरूरी है। वीडियो आपको पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, फेसबुक के ऊपर डालो, और हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें उसके बारे में लोगों को इसमें पता चल जाएगा कि यहाँ हमारे यहाँ दो प्रकार की व्यवस्था है। हमारे यहाँ पेशेंट रिश्तेदारों के साथ में हम रखते हैं और रिश्तेदारों के बिना हम पेशेंट को रखते हैं, दो तरह की व्यवस्था है। तो कई लोगों को बाहर जाना पड़ता है तो अपना पेशेंट कहाँ रखना, उस समय हमारे यहाँ पेशेंट ला के रखते हैं, वहाँ उनके यहाँ शादी है, रिसेप्शन है, कोई फंक्शन है, तो ऐसा वायलेंट पेशेंट रहना रखना प्रॉब्लम है, तो वो हमारे यहाँ रख सकते हैं। जो पेशेंट के साथ में जिनको रहना मुश्किल है, जाके वो अपना अर्निंग कर सकते हैं, अपना खर्चा पानी निकाल सकते हैं, वो कमाई कर सकते हैं, हमारे यहाँ पेशेंट रखते हैं वो अच्छे हो जाते हैं पेशेंट, पर बाद में फिर वो लेकर जाते हैं, वैसे भी हमारे पेशेंट रखते हैं। और शराब की नशा, फिर गांजा, अफीम, चरस, उसकी भी नशा, तो ऐसे नशाखोर जो लोग हैं उनका भी इलाज हम करते हैं। तो जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो आते ही रहेंगे, पर हमारा वेबसाइट के ऊपर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जरूर हमारी वेबसाइट जो है वो देखो, विजिट करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।